हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टाइल विद शालिनी में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ शालिनी। तो गाइज, मैं आज आप लोगों के साथ एक मेकअप लुक शेयर कर रही हूँ, बट सावित्री मेकअप लुक। तो गाइज, मैंने अपने फेस पे प्राइमर अप्लाई कर लिया है NYV के, और मैंने लेंस लगाया है। और लेंस जो है बहुत टाइम से रखा हुआ था, तो मैंने लगाया तो आँखों में बहुत ही ज़्यादा जलन होने लगी। मैंने बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश किया, बट कंट्रोल नहीं हो पा रहा था। तो देख सकते हैं मेरे आँखों से लगातार आंसू बह रहा है, मेरी आईज़ भी ओपन नहीं हो रही थी। देख सकते हैं गाइज, मेरी आईज़ पूरी की पूरी रेड हो गई, तो मैंने रिमूव कर दिया है। तो बिना मैं लेंस के आप लोगों को मेकअप शेयर करूँगी। तो मैंने अपने फेस पे NYV का प्राइमर अप्लाई कर लिया है। उसके बाद मैं मेकअप सेटिंग स्प्रे से थोड़ा सा स्प्रे करूँगी अपने फेस पे, क्योंकि मेरा ड्राई फेस है गाइस, तो इसलिए मैं जो है मेकअप स्प्रे लगा के ही मेकअप करती हूँ। तो मैं किस तरीके से मेकअप करती हूँ वो मैं अपने आज के वीडियो में शेयर कर रही हूँ। तो मैंने प्राइमर लगा लिया है NYV का, और ये वाला मैंने हुड्डा ब्यूटी का जो है मेकअप फिक्सर अप्लाई किया है। और आप इसको चाहे स्किप भी कर सकते हैं, आप बाद में भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इससे क्या है मेकअप ना बहुत ही अच्छे से फिक्स हो जाता है। गाइज, मेरे पास बहुत ही हाई क्वालिटी के या फिर बहुत ही बड़ा ब्रांड नहीं है, लेकिन जो है जितना है मैं उसी से आपको दिखा रही हूँ। मैंने यहाँ पे SQ का जो है फाउंडेशन अप्लाई किया है, और आप लोग फाउंडेशन की जगह पे जो ओलिविया का पेनकेक स्टिक आता है ना, उससे भी मेकअप का जो बेस है ना बहुत ही अच्छा बनता है। तो मैं यहाँ पर अपने पूरे फेस पर अप्लाई कर लिया है इस तरीके से, स्पंज से देख सकते हैं। और उसके बाद मैं अप्लाई करूंगी कॉम्पैक्ट पाउडर, ये वाला ब्लू हेवन का बहुत ही अच्छा कॉम्पैक्ट पाउडर है। इसमें ग्लिटरी थोड़ा थोड़ा ग्लिटर वाला पाउडर है, और पार्टी फंक्शन पूजा वगैरह के लिए बहुत ही बेस्ट वाला इसमें कॉम्पैक्ट पाउडर होता है। तो मैंने अप्लाई कर लिया है गाइस फाउंडेशन NY का, और नहीं सॉरी SQ का फाउंडेशन और ब्लू हेवन का कॉम्पैक्ट पाउडर। और उसके बाद मैं इसमें से एक डार्क कलर का आई शेडो निकालूंगी। और ब्रश है मेरे पास, लेकिन मैं ब्रश से मेकअप नहीं बता रही हूँ। बहुत सारे लोगों के पास बहुत ही ज़्यादा टूल्स नहीं होते हैं गाइस, तो आप चाहे तो फिंगर की मदद से भी बहुत ही अच्छे से आई मेकअप क्रिएट कर सकते हैं गाइस। आप लोगों ने बहुत बार मेरा मेकअप देखा होगा कि मैं किस तरीके से अपना मेकअप करती हूँ, और बहुत कम मटेरियल में मैं हमेशा मेकअप यूज़ करती हूँ और काफ़ी बेस्ट वाला मेकअप करती हूँ। और मैं ऐसा है कि बड़े से बड़े मेकअप आर्टिस्ट को भी टक्कर दे सकती हूँ, जो कि अपने आप को मेकअप आर्टिस्ट कहते तो हैं लेकिन होते नहीं हैं। मैं जल्दी अपने चैनल पे मेकअप की वीडियो शूट नहीं करती हूँ, पता नहीं क्यों मेरी मुझे ही एक फोबिया है मेकअप का वीडियो शेयर नहीं करने का, तो आप ऐसे ही कुछ समझ लीजिए। तो मैं इस तरीके से फिंगर की मदद से ही डार्क कलर का शेड लेके अप्लाई कर रही हूँ। आप शेड कोई सा भी ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। मैंने कल का जो बेस है, वो कल का बेस भी मैंने इसी तरीके से तैयार किया था। कल का भी आप लोगों को मेरा मेकअप लुक बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे गाइस मैंने अप्लाई कर लिया है इस तरीके से, और उसके बाद मैं लूँगी ऑरेंज शेड, और इसको भी गाइस मैं फिंगर की मदद से ही जो है अप्लाई करूँगी। और इसमें थोड़ा सा ग्लिटरी है, और इस तरीके का थोड़ा सा नई नवेली दुल्हन होती है ना, थोड़ा सा डार्क मेकअप ही कर रही हूँ मैं, क्योंकि बट सावित्री में आपको पूरा श्रृंगार करना होता है और पीपल की जो है पूजा करनी होती है। बड़े भाई शायद मानते हैं, मुझे पता नहीं है ज़्यादा, क्योंकि मैं गाइस बट सावित्री की पूजा कभी नहीं किया है, हमारे में कभी हुआ नहीं है, हमें किसी ने बताया नहीं है, तो कभी भी मैंने भी स्टार्ट नहीं किया है। लेकिन आज बट सावित्री की पूजा है, और जो लोग करते हैं उन लोगों को बहुत ही बहुत मुबारक हो बट सावित्री की पूजा, और आप लोगों की सारी मनोकामना पूरी हो गाइस, यही मैं दुआ करूंगी। तो फिंगर से मैं इस तरीके से ऑरेंज शेड मैंने लगा लिया है, देख सकते हैं। इसके बाद आई थिंक मैं एक ग्लिटर आई शेडो अप्लाई करूंगी या फिर लाइनर लगाऊंगी, दो में से एक चीज़ करने वाली हूँ, क्योंकि जब मैं वॉइस ओवर कर रही थी तो मैं भूल गई थी कि मैंने कब क्या स्टार्ट किया था। और सही बताऊं
आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, मुझे पता है कि आप लोगों के यहाँ भी इतनी ही गर्मी पड़ रही होगी जितनी मेरे यहाँ पड़ रही है गाइस, बहुत ही ज़बरदस्त वाली गर्मी पड़ रही है। तो मैं यहाँ पे ग्लिटरी आई शेडो से ये सिल्वर कलर का शेड ले रही हूँ, इस पर भी मैं थोड़ा सा स्मच करके लगा लूँगी, तो ये इसी में मिक्स हो जाएगा, कलर में ही मिक्स हो जाएगा इस तरीके से। देख सकते हैं मैं फिंगर की मदद से ही स्मच करके लगा रही हूँ गाइस। इस तरीके से मेकअप लुक अगर आप करते हैं ना तो आपको ना आपकी आँखें ज़्यादा रंग बिरंगी नहीं दिखेगी, क्योंकि जो रंग बिरंगी आँखें दिखती है ना वो मेरे को बड़ी बुरी लगती है। और मैं चाहती हूँ कि मेरे आई का जो मेकअप हो ना वो थोड़ा सा अट्रैक्टिव लुक दे। कभी भी मैं ऐसा नहीं, मुझे जो भब्बड़ टाइप का मेकअप होता है ना वो मेकअप लुक बिल्कुल भी पसंद नहीं है, चाहे कोई कितना भी अच्छी तरीके से करता हो वो मेकअप लुक मुझे बहुत भब्बड़ लगता है। आप देख रहे हैं ना मैंने यहाँ पे सारे कलर डार्क यूज़ किए हैं, बट इनको मैंने लास्ट में लाइट कर दिया है, क्योंकि ज़्यादा डार्क कलर की आइज़ जो है ना मेरे को बड़ी गंदी लगती है। बेशक इनको काजल से आईलाइनर से आप बेशक ड्रॉ करके बढ़िया सा भर दीजिए ना वो मुझे अच्छा लगता है, बट लाल पीला हरा नीला थोड़ा कम खिलता है मुझे, उस तरीके के मैं ज़्यादा डार्क मेकअप पसंद नहीं करती। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पे ब्लू कलर का आईलाइनर लगाने के बाद आईज़ कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। उसके बाद मैं यहाँ पे कलर बार का मस्करा अप्लाई कर लूँगी और आईब्रो को भी मैं मस्करा से ही फील करती हूँ और किसी से नहीं। और गाइज उसके बाद मैं थोड़ा सा हाईलाइटर लगा रही हूँ अपने आईब्रो के नीचे और यहाँ पर इस तरीके से थोड़ा सा फेस को क्लीन कर लूँगी हाइलाइटर से। इससे क्या होता है फेस थोड़ा चमकीला चमकीला सा हो जाता है, ज़्यादा आपको भब्बड़ नहीं हाइलाइटर से कभी फेस नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे मैंने जो है अपने गाल गुलाबी भी कर लिए हैं और हाइलाइटर भी कर लिए हैं। अब आँखों के नीचे मैं ग्रीन कलर का आई शेडो लगा लूँगी, इससे आँखें मेरी बहुत सुंदर लगती है, बिकॉज आप लोगों की भी सुंदर लगेगी, एक बार आप लोग ट्राई करके देखना। सो गाइस मैं यहाँ पर फेक क्या बोलते हैं आईब्रो लगा रही हूँ, क्या बोलते हैं मैं नाम भूल गई, आईलेसेस, फेक आईलेसेस लगा रही हूँ, होता है गाइस कभी कभी मैं भूल जाती हूँ चीज़ों को, तो माइंड मत करना। तो मैंने यहाँ पे फेक आईलेसेस लगा लिए हैं और उसके बाद लास्ट में जो मेरा ग्लिटर वाला आईलाइनर है ना उसको अप्लाई कर लूँगी। और गाइस यहाँ पे मैं किस ब्यूटी की लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ जो कि बहुत ही अच्छा शेड है, और उसके बाद लास्ट में मैं ग्लिटर वाला आईलाइनर लगा लूँगी, दैट्स इट गाइस। सो गाइज आज के लिए इनफ है और ये रहा मेरा मेकअप लुक। मैं बहुत सारी पिक्चर लगा दूंगी तो आप लोग देख लेना, और आप देख सकते हैं मेरा आई मेकअप, ये है मेरा बट सावित्री मेकअप लुक, और ये रहा मेरा हेयर स्टाइल, ये रहा मेरा जूरा और ये रही मेरी साड़ी। तो मैं तो नहीं करती हूँ लेकिन अगर आप लोग करते हैं तो इस तरीके से कर सकते हैं। देख सकते हैं मेरा आई मेकअप, लुक एट दिस गाइस। तो चलो ये मैंने चूड़ा पहना हुआ है तो इस तरीके से मेकअप कर सकते हैं वट सावित्री के लिए। तो चलो गाइस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, और हाँ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलना गाइस, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो से आप लोग नोटिफाई हो पाए। बाय। और ये है मेरा नेल आर्ट, ब्यूटीफुल सा।